ओम शांति। सभी मिलकर एक दफा ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तक आवाज पहुंचना चाहिए ना। ओम शांति। ज्ञान तो 7 दिन का कोर्स जब सुना तो ज्ञान समझ में आया, लेकिन ज्ञान जीवन में कैसे आ जाए? तो दुनिया में कहते हैं सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ हमने सब कुछ सुना लेकिन आचरण में अगर नहीं आया कोई फायदा नहीं। तो सुनने के बाद क्यों सुन रहे हो आप? क्यों सुनना चाहते हैं? ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं, कि अपने जीवन के अंदर जो कमियां है, जो दुख है, जो समस्या है, उसको परिवर्तन करना चाहिए। डॉक्टर के पास कौन जाता है? सभी नहीं जाते हैं। जब तक आप बीमार नहीं समझते हो तब तक डॉक्टर नहीं चाहिए, चाहिए फ्री दवाई देता है, कोई लेंगे नहीं। जब तक अपने आप को बीमार नहीं समझा तब तक डॉक्टर की जरूरत है। अब आप सोचो आपको भगवान क्यों चाहिए? शिव बाबा बड़ा है, भगवान है, हमको क्या करना है? आप बैठो खाना लाके देगा, किसके लिए चाहिए? भगवान क्या क्यों चाहिए? कौन बताएगा? भाइयों में से एक कोई बताओ। भगवान आपको, शिव बाबा आया है, डॉक्टर आया है, फ्री दवाई देता है, आपको चाहिए? कोई उसका दर्शन करने नहीं जाता? हाँ, बीमार व्यक्ति है, वो ढूंढेगा डॉक्टर कहाँ है, मेरी बीमारी ठीक करनी है। तो आपको भगवान क्यों चाहिए? मतलब आप अपने जीवन में सुख नहीं, अभी शांति नहीं, अशांति है, तो भगवान शांति और सुख लेके ऊपर बैठा आएगा तो दे देगा? नहीं है ना, वो सुख शांति से परे है, दुनिया का सुख नहीं, तो आपको कौन सा सुख शांति देगा? माता जी बताओ, शिव बाबा आपको क्यों चाहिए, भगवान क्यों चाहिए? आपके अंदर तो 5 विकार है ही नहीं, है पहले थे अभी नहीं, अभी है, कैसे पता चलेगा? अगर आप कहो किसी डॉक्टर के पास जाकर मुझे बीमारी है, वो कहेगी माता जी कोई भाई जी कोई बीमारी नहीं है, नहीं मुझे बीमारी है, तो आप कहेंगे ना दिखाओ, तो दिखाएगा ना, एक्सरे निकाल कर आपको दिखा रहा है, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, सब दिखा।